शुरू करते हैं क्लास 11 के एक नए चैप्टर की, जो इस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रसायन विज्ञान होता है क्या। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन और उनमें होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, वैसे तो इसके कितने सारे भाग है, कितने भागों में से बांटा गया है, लेकिन बेस के हिसाब की बात करें कक्षा 11 और कक्षा 12 की, तो मैंने इसे दो भागों में से बांट दिया गया है। एक तो बांट दिया गया है अकार्बनिक रसायन में, और दूसरा जो इसे बांट दिया गया है वो कार्बनिक रसायन। सबसे पहले लेंगे हम अकार्बनिक रसायन को, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अकार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें कार्बन के अलावा अन्य सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे NaCl का जो अध्ययन किया जाएगा वो अकार्बनिक रसायन में किया जाएगा, इसी तरह से MgSO4 जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, इसका अध्ययन अकार्बनिक रसायन में किया जाएगा। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, इसका अध्ययन भी अकार्बनिक रसायन के अंदर ही किया जाएगा। अब आप देखते हो कि इन सभी यौगिकों में कार्बन तत्व नहीं है, तो इसलिए इन सभी का अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंदर होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिनमें कार्बन तत्व होता है, उनका भी अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंदर करते हैं। वे यौगिक हो गए जैसे तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या सोडियम साइनाइड NaCl, ये हो गया। तो बात आपको ध्यान रखनी होगी कि एक तो बाइकार्बोनेट और एक कार्बोनेट और एक साइनाइड, इनमें कार्बन तत्व उपस्थित होता है, लेकिन इनका भी अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंदर ही किया जाता है, एक तरह से अपवाद है। अब दूसरा क्या होता है, कार्बनिक रसायन होती है। अब कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें केवल कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि जो कार्बन के यौगिकों की संख्या है वो 10 लाख से भी ज्यादा है, तो इसलिए कार्बन को लेकर एक नई शाखा का निर्माण किया गया था जिसमें केवल कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जा सके, उसी कहा गया कार्बनिक रसायन, उसी कहा गया कार्बनिक रसायन। जैसे कार्बनिक रसायन में CH4 मेथेन हो गया, इसका अध्ययन किया जाएगा। C2H4 एथिलीन हो गया, इसका यूज फलों के पकाने में किया जाता है, इसका भी अध्ययन कार्बनिक रसायन में किया जाएगा। या भी कह सकते हैं कि C2H6 मेथेन हो गया, या C4H10 ये हो गया, ब्यूटेन हो गया जो LPG गैस होती है, जो घरों में सिलेंडर होता है उसके अंदर भरे जाते हैं, हाइड्रोकार्बन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसके अंदर भरे जाते हैं, तो इन सभी का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंदर किया जाता है। लेकिन अब जो ये चैप्टर रिलेटेड है, अब हमारे सामने एक बात आ गई, वो कार्बनिक रसायन से रिलेटेड है कि अकार्बनिक रसायन से रिलेटेड है। ये जो चैप्टर रिलेटेड है वो अकार्बनिक रसायन से रिलेटेड है, ये इसी से संबंध रखता है। जो शुरू के 8-9 चैप्टर है वे अकार्बनिक रसायन से संबंध रखते हैं, तो इसलिए हम अकार्बनिक रसायन का अध्ययन पहले करेंगे और कार्बनिक रसायन का अध्ययन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत होती है द्रव्य से, जिसे हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। द्रव्य या मैटर क्या होता है, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। आप इसे 9th क्लास से पढ़ते हो, बल्कि 6th, 7th, 8th में भी ये पढ़ाया जाता है। द्रव्य जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है वो द्रव्य कहलाएगा।
और जिसम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी महसूस कर सकते हैं वो द्रव्य कहलाएगा। दोनों बातों का होना शर्त है कि वो स्थान भी घेरना चाहिए और उसमें द्रव्यमान यानी वजन भी होना चाहिए, तभी वो द्रव्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वस्तु केवल और केवल स्थान घेरे और उसमें भार ना हो तो द्रव्य नहीं हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सूर्य का प्रकाश हो गया या बल्ब का प्रकाश हो गया, रोशनी। अब ये स्थान तो काफी घेरते हैं लेकिन इनमें भार नहीं होता, वजन नहीं होता है, तो इसलिए ये द्रव्य नहीं कहलाते हैं। अब द्रव्य के बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मार्कर एक द्रव्य है, ये डस्टर एक द्रव्य है, कटर एक द्रव्य हो गया, किताब एक द्रव्य हो गया, स्टूल एक द्रव्य हो गया, मोबाइल एक द्रव्य हो गया, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप सब भी द्रव्य ही हैं। क्यों? आप स्थान भी घेरते हैं और आप में वजन भी है कहीं ना कहीं। तो आप देखिए द्रव्य का वर्गीकरण आ गया। द्रव्य का जो वर्गीकरण किया गया वो दो अवस्थाओं के आधार पर किया गया है, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर या भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। दूसरा इसका जो वर्गीकरण किया गया रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया। तो पहले आपको बताना चाहूंगा कि भौतिक गुणों के आधार पर द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया। एक इसमें ठोस होता है, दूसरा इसमें द्रव होता है, और तीसरा इसमें गैस होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम ठोस क्या होता है। ठोस द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें द्रव्य का या पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। निश्चित को हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फिक्स, यानी जो कभी ना बदलने वाला हो, हमेशा एक जैसा रह सकता है। तो इसके कुछ उदाहरण होंगे जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सभी क्या होता है, ठोस के उदाहरण है। मैंने भी बताया आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे, आकार और आयतन दोनों ही क्या होंगे, निश्चित होंगे। अब इसमें एक शब्द यूज हो गया आयतन। अब आप समझते होंगे, सोचते होंगे कि ये आयतन क्या होता है। तो आपको बता दूं, आयतन किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान, वो आयतन होता है उसका। जैसे एक डस्टर है, डस्टर ने फिलहाल जितना वायु का स्थान घेरा है वो इसका आयतन होगा। और ये ठोस है, इसका आकार तो आप देख सकते हो निश्चित है, यानी फिक्स है। दूसरा आयतन भी इसका निश्चित है, आप इसकी मेजरमेंट करके इसका आयतन निकाल सकते हो, क्यूब मॉडल शेप में है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से। दूसरा आगे आप इसमें द्रव, द्रव क्या होता है, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं हम। द्रव द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब द्रव को जिस पात्र के अंदर लिया जाता है वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, जबकि इसमें आयतन निश्चित रहेगा। एग्जांपल लेंगे हम इसके, जैसे दूध, दूध, तेल, पानी आदि सभी जो उदाहरण है ये द्रव के उदाहरण है। मतलब बहने वाले जो पदार्थ होते हैं वे ज्यादातर क्या होते हैं, द्रव ही होते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा, सपोज कीजिए आप एक लीटर दूध लेकर आए और उस एक लीटर दूध को आप एक जग के अंदर लेकर आए, तो उस एक लीटर दूध का जो आकार होगा वो जग के आकार का होगा। उस एक लीटर दूध को आपने बाल्टी में डाल दिया, पैल के अंदर डाल दिया, तो अब जो उसकी शेप हो जाएगी, उसका जो आकार हो जाएगा वो बाल्टी के समान हो जाएगा, जबकि दूध एक लीटर ही रहेगा। और अगर तुम उस एक लीटर दूध को अब बाल्टी से निकालकर किसी भगोने में डाल देते हो तो अब उसका आकार भगोने के समान हो जाएगा, जबकि दूध एक लीटर ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जो एक लीटर, मतलब उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन उसका जो आकार है वो बदल गया।
जो उसका आकार है वो बदल गया। तो इसलिए कहा जाता है कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। तीसरी अवस्था होती है द्रव्य की, वो गैस होती है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, अर्थात दोनों ही अनिश्चित होते हैं। मतलब गैस को भी जिस पात्र के अंदर लिया जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन, जो गैस हम लेते हैं श्वास लेने के लिए यूज करते हैं। नाइट्रोजन N2 प्रकृति में या वायुमंडल में लगभग 78% मात्रा में ये नाइट्रोजन गैस है। ओजोन O3 ये भी एक गैस होगी, और इसी तरह से CH4 मेथेन ये भी एक गैस होगी। तो ये सभी गैस हैं, ये गैस के कुछ उदाहरण हैं। तो आप इन्हें समझ गए होंगे ठोस द्रव और गैस के बारे में। अब बात करेंगे कि रासायनिक गुणों के आधार पर इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है। तो रासायनिक गुणों के आधार पर द्रव्य को दो वर्गों में बांटा गया है। वे दो वर्ग है इसके, पहला वर्ग हो गया शुद्ध पदार्थ और दूसरा हो गया अशुद्ध पदार्थ। सबसे पहले बात करेंगे हम अशुद्ध पदार्थ की, और आज की वीडियो में आपको शुद्ध पदार्थ के बारे में ही बताया जाएगा। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिनका संगठन पूर्णतः शुद्ध होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है संगठन, कहीं ना कहीं इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि संगठन क्या होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि संगठन क्या होता है। पदार्थ के अंदर उपस्थित छोटे छोटे पार्टिकल वो उसका संगठन कहलाएगा, या पदार्थ के जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं जो उसके अंदर उपस्थित होते हैं उसका संगठन कहलाता है। अगर वो शुद्ध है, उसका संगठन शुद्ध है, तो शुद्ध पदार्थ होगा। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिनका संगठन पूर्णतः शुद्ध होता है। एग्जाम्पल हमने इसका लिया लोहा। लोहा एक तरह से शुद्ध पदार्थ होता है। क्यों होता है? आयरन के अध्याय से प्रतीक इसका Fe होता है। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए आपके पास लोहे का एक पीस हो गया, तो लोहे के उस पीस के अंदर केवल और केवल लोहे के ही छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, किसी अन्य दूसरे पदार्थ के पार्टिकल नहीं होंगे। तो इसलिए लोहा क्या हो गया? एक शुद्ध पदार्थ हो गया। इसी तरह से सोडियम तत्व हो गया, ये भी एक शुद्ध पदार्थ हो गया। या हम कहें कि बहुत सारे जितने होते हैं, आप देखते हो कि नमक हो गया NaCl, जो घरों में हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, वो भी शुद्ध पदार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि NaCl का अगर आप एक बड़ी डली लेते हो, उसका बड़ा सा पीस लेते हो, तो और उसे बारीक पीसते हो, उसका जो सबसे छोटा कण होगा वो भी नमक का ही कण होगा। ऐसा नहीं कि उसके अंदर रेते का कण मिलकर आ जाए। मतलब ये कहेंगे कि उसके अंदर के जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं वे सभी क्या होंगे? वो उसका संगठन होगा। और वो संगठन अगर पूर्णतः शुद्ध है, मतलब एक ही प्रकार का कण है उसमें शुरू से आखिर तक, तो वो ही क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग इसमें होता है, शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक भाग इसमें तत्व होता है और दूसरा भाग इसमें यौगिक होता है। तत्व के बारे में मैं आपको इससे पिछली वीडियो में बता चुका, यानी जहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, उसमें बता चुका। तत्व को भी आगे तीन ग्रुप में बांटा गया है। एक तो क्या होता है? धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। यौगिक, यौगिक क्या होते हैं? यदि दो या दो से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिला दे तो जो पदार्थ बनता है वो यौगिक कहलाता है। जैसे NaCl हो गया, ये एक यौगिक हो गया सोडियम क्लोराइड। अब इसमें Na का और Cl के दोनों के जो परमाणु का अनुपात है वो 1:1 है, यानी अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र Na2Cl हो जाए, तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा जब Na और Cl 1:1 के अनुपात में होंगे तभी जाकर क्या बनेगा? ये नमक बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, तभी ये क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। इसी तरह से
ये हो गया C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया, ये भी एक यौगिक हो गया। इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो हमेशा 1:2:1 होगा, 6 × 6 = 12 और फिर 6 × 6 कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है। अगर इसके अलावा कोई सा अनुपात होता है तो वो यौगिक नहीं होगा, मतलब ये अनुपात निश्चित है कि 1:2:1 के अनुपात में ही मिलाने पर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो इसलिए कहा जाएगा कि यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं को, समान या असमान भी हो सकता है परमाणु, निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जिसमें डिस्कस किया जाएगा अशुद्ध पदार्थ के बारे में।